दिल्ली की कीर्ति नगर में फर्नीचर मार्केट से लगा है ये कीर्ति नगर का स्लम एरिया। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, खैर ये बाहर की तस्वीरें हैं, अभी हम लोग अंदर चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि समस्याएं आखिर क्या आ रही हैं, यहाँ पे जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं उनके पास क्या कुछ समस्याएं हैं, साथ ही में सांसद को उन्होंने देखा है या नहीं देखा है। और मैं आपको बता दूँ कि समस्याओं का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि श्रेष्ठ भारत यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट कवर कर चुका है, जो हमने आपको पूरा दिखाया था किस तरीके से नाली हैं, बड़े बड़े नाले हैं और छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ पर लोग अपनी छोटी सी झुग्गी में रहते हैं, उसी में एक छोटी सी झुग्गी में चार पांच लोग रहते हैं और किस तरीके से ना तो उनके घर में कोई शौचालय है और जो बना भी रखा है उसकी स्थिति भी कितनी ख़राब है। अब हम उनसे जानेंगे कि आखिर बदलाव क्या हुआ है, क्या स्थिति सेम वही है या फिर कुछ बदलाव आए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बीजेपी की सांसद हैं जो कि दो बार से सांसद रह चुकी हैं, मीनाक्षी लेखी, हालांकि बीजेपी ने अब की बार उनका टिकट काट कर दिया है बांसुरी स्वराज को। जी हाँ, और आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, सोमनाथ भारती को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए इधर चलते हैं और अब बात होगी समस्याओं पे, बात होगी बदलाव पे कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आया है 5 सालों में। हालांकि मीनाक्षी लेखी के काम को 10 साल हो गए हैं, वो दो बार से सांसद यहाँ पर हैं, लेकिन हम बात करेंगे पिछले 5 साल की। चलते हैं इधर और बातचीत करते हैं इन लोगों से। यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। ये नाली ऐसी रहती है? ऐसे ही रहता है, उनसे पूछो उनसे। यही रहते हैं आप? जी। ये नाली ऐसी खुली हुई रहती है? ये देखिए ना सामने आपके, हम क्या ये देखिए, नहीं देखिए, ये देखिए ना, ये देखिए, कूड़ा भी ऐसी पड़ा रहता है। ये देखिए ना आपके सामने है, आपके सामने है नाली के वो कर्मचारी जो है वो अंदर कुछ अंदर जा करके गलियों में रुपया कमाते हैं और यहाँ सरकार का पैसा फालतू में लेते हैं। नाली साफ हफ्ते में एक बार थोड़ा सा ये मार दिया, हो गया, थोड़ी खपच्ची हिला दिया, क्या भाई तो जुग्गी वाला गन डाला है, ये तो जुग्गी वाला जो गन डाला है इसीलिए ना आपको कर्मचारी को रखा गया, जुग्गी वाला ना पैसा आप लोग को दे रहा है, क्या मोदी सरकार दे रहा है, हम लोग पब्लिक का पैसा है ये। आपको पता है ना यहाँ से बीजेपी सांसद है मीनाक्षी लेखी, बीजेपी तो अब 10 साल में एगो यहाँ पर का सुई नहीं हिलाया है, ये राजू मग्गो का देन था, उसके बाद केजरीवाल का देन है जो आज बैठे हैं चमन में। बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा पिछले 10 साल, एक किल नहीं लगाया है दीवा ये रोड में, झाड़ू को तो दूर छोड़िए, ये ले जा करके नाला ये बनाया जुग्गी के अंदर, यहाँ ले जा करके छोड़ दिया, नाला भी छोड़ दिया, बड़ा नाला था जो पास होता है, जरा सा पानी बरसात होती है पूरा जुग्गी डूब जाता है, सबके जुग्गी में पानी घुसा। तो कैसे रह रहे हैं फिर यहाँ पर? मजबूरी में, कोई सुनने वाला नहीं है, सांसद ने आपकी बात नहीं सुनी, नेता के पास जाइए तो कहता है वो हमारा नहीं है स्टाफ उसका है, उनके पास जाओ तो कहेंगे उसका है, ये ड्रामा है, कर्मचारी को पैसा दीजिए तुरंत काम होगा, पैसे ना दो पड़ा रहे 1 महीने सारा जाए, कुत्ते मरे रहे तो कोई नहीं पूछेगा, पैसे की दुनिया है, पैसे फेंको तमाशा देखो, सरकारी कर्मचारी जो भी है सिर्फ पैसे दो, काम हो ना उससे मतलब नहीं है, झुग्गी के आदमी मरे जिए एक रिपोर्ट लिखाने जाओ तो 10,000 दो, एक झुग्गी बनाना है 20,000 रुपये दो, 50,000 रुपये दो, कहाँ से देता है गरीब आदमी मजबूरी में पेट काट करके, ये बताइए 4 किलो राशन में हम 1 महीना खाना खाएंगे? मिलता है फ्री राशन मिलता है 4 किलो में, क्या होता है हजरत, मोदी का 1 रोज का 1 करोड़ का खर्चा सिर्फ खाने का कपड़े का, और हम लोग मजदूर का जो पैसे से ऐश कर रहे हो उनका कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए क्या, ये इंदौर 40-42 को फौज को मरवा दिया वहां जाके, आज तक कोई रिपोर्ट आया उसका, कोई गाड़ी पकड़ी गई, कोई आदमी पकड़ा गया, और वही है कोई मुसलमान के हो रहा था तो काट के रख दिया जाता, अब तक ले जा करके वो त्यौहार में, त्यौहार के बाद गाड़ी में ले जा करके जंगल में जाके। मुसलमानों का क्यों जिक्र किया? मुसलमानों का डर से बोलता ही नहीं है, बोलेगा तो सीधे जेल जाओ, कुछ भी बोल दो जेल जाओ। तो धर्म की राजनीति करती है क्या बीजेपी? तो और क्या चीज़ की राजकरण, आप लोग को नहीं मालूम है क्या, आप लोग नहीं जानते हैं
क्या लग रहा है कि अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री? मुश्किल है, बहुत ठग लिया, गोली दे दे करके हम लोग ये थोड़ा सा इसमें रखा, जो बच गया जेब में रखा, ना हुआ तो थैला में डाल लिया, खाली गोली दे रहे हैं। कई करोड़ रुपए को खर्चा कर दिया, विदेश से आदमी ला करके आज वहां घूम रहे हैं, आज वहां घूम रहे हैं, गली गली में प्रधानमंत्री जाएगा प्रचार करने के लिए? क्या पब्लिक का पैसा नहीं खर्च हो रहा है? ये किसका खर्च हो रहा है? इतनी इतनी जो फोर्स जो लगती है, क्या उसको दिहाड़ी नहीं मिलती है क्या? ये बताइए, इधर आइए, मीनाक्षी लेखी को जानते हैं? मैं तो जब इलेक्शन हुआ था तब आई थी, जब भी देखा था बस। कब से अब तक दिखी वो यहाँ पर? नहीं दिखी, देखा देखी, कोई किसी नहीं देखा। विकास के नाम पे क्या हुआ है फिर झुग्गियों के लिए? आज वैसे है, अभी अंदर की नाली नहीं बनी, नाली उधर भी कूड़ा पड़ा है, वहाँ भी ये इधर आओ दिखा दो, इधर देख लो, कवर कर ही लेंगे, देख लो। हाँ जी, ना कोई नहीं दिखाई पड़ा अभी। राशन मिलता है आपको फ्री? राशन मिलता है, कभी कभी मिलता है, हाँ राशन मिलता है। क्या बोल रहे हैं? मतलब उस गली में पूरा रोड पे शाम को पानी भर जाता है। मीनाक्षी लेखी को जानते हैं आप? हाँ जी। कौन है वो यहाँ? मीनाक्षी लेखी आज तक नहीं आई जो जीती। आज तक नहीं आई। विकास के नाम पे फिर क्या हुआ है यहाँ पे? विकास के नाम पे कुछ नहीं है। ये जो हम, आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं, यहाँ पे हमने पूरा ये एरिया कवर करा था, तब भी स्थिति यही थी। अब स्थिति में कुछ बदलाव है? 5 साल उनके वैसे को वैसे, वैसे को वैसे ही है, वो गली में नाली सब पूरा भरे पड़े हैं, रोड पे पानी। आप मार्केट में घूमिए, अभी देखिए रोड पे पूरा पानी आया, वो इस समय भी 5 बजे पानी आता है तो पूरा रोड पे भरा हुआ। मोदी सरकार के काम से खुश हैं? क्या खुश हैं क्या नहीं खुश हैं वो तो पब्लिक से पूछिए। पब्लिक ही तो है आप? हाँ, तो वही है। कार्यकर्ता है क्या किसी पार्टी? नहीं, हम किसी का पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। जानते हैं आप मीनाक्षी लेखी को? नहीं, मैं तो गाँव से आया हूँ। अच्छा, का मतलब ये बताइए हम लोग को, ये बीजेपी की सरकार में हम कांग्रेसी थे, आज से नहीं, यहाँ पे 45 साल हो गया, यहाँ पे 20-25 झुग्गी थी जब से हम यहाँ पे हैं। जब से हम यहाँ पर हैं, हमने बीजेपी के लिए पहले बहुत कुर्बानी दी मगर कुछ फायदा ही नहीं हुआ, फिर जा करके हम कांग्रेस में गए, अभी तक कांग्रेस ही में है जी। देखिए इधर आइए, क्या मतलब? नहीं, वो पानी पोषण, ये बताइए ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है क्या यहाँ पे? इससे दयनीय स्थिति होती है इसकी, तो अभी तो ठीक है ये। सुबह आप आइए कभी, आपके थाली के नीचे पानी घूम रहा होगा, उसी में रोटी खा रहे। विकास के नाम पे मीनाक्षी लेखी ने फिर यहाँ पे कुछ किया है या नहीं किया? कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने कुछ नहीं किया, जीतने के बाद आई नहीं आज तक, कभी नहीं देखा। देखिये 2 बार से सांसद है वो यहाँ पे, 20 दफा कभी आई नहीं आज तक, 10 साल हो गए नहीं आई यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, देखिए कोई भी हो, क्या इससे पहले बीजेपी कौन सा थे? इस बार आम आदमी जीती है। हाँ, ये जवाब। तो मीनाक्षी लेखी का कोई विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है, क्योंकि आती हैं वो जब पार्क में, जब कोई फंक्शन होता है तो आती हैं, वो आती हैं, माला चलवाती और चली जाती हैं, आती हैं, कोई जवाब नहीं इसका। आती है, विकास हुआ है। जनता का क्या काम हुआ है? जनता के कुछ नहीं हुआ है, पूरी झुग्गी में कुछ नहीं हुआ है। जगह 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 जाके सुबह आके देखो आप, 7 बजे गली गली में आपको जा नहीं सकते, क्योंकि पानियों पे नालियां भरी रहती हैं, सब किसी भी जगह चले जाओ दरवाजों पे पानी हमेशा रहता है। क्या लग रहा है बीजेपी अब की बार बोल रही है 400 पार कर पाएगी? पाएगी 400 पार कर लेगी, 150 भी लाएंगी, हर हाल में करेगी। मुश्किल है, 150 आना मुश्किल है। बीजेपी वाले के लिए थैला मुंह बांध करके अब पार्सल कर देंगे बीजेपी को, दे देंगे। अच्छा सुनिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं आप? मोदी जी बढ़िया हैं, मोदी जी बढ़िया हैं, ऐसा नेता नहीं है, पूरा भारत खुश है। भारत खुश है? हाँ जी। लोग तो खुश नहीं है ना? वो देखिए यहाँ आधा चिमचा आधा सही, जो हाँ बीजेपी वाले सही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 80 से मैं आया हूँ, अगर बोलवाते है ना तो 90 से पहले कांग्रेस का सरकार थे यहाँ। अरे चुपचाप रहो भैया, पहले बोलने दो, पहले बोलने दो, पहले बोलने दो आप। 80 से हाथ दे गए, 80 से ये चौराहा है, यहाँ पर क्या थे, ये कौन चौक, ये अरे सुनो तो ना, ना देखिए सुनिए, 90 अरे 80 से बाद 90 तक है ना बिजली, ना पानी, ना खरंजा, कुछ भी नहीं। अब है?
हाँ जब से बीजेपी के इसका बीपी सिंह का टाइम तभी यही खरंजा और सब कुछ लगे है उसी के टाइम में। कोई बता दे, कोई बता दे, देश बचाना है तो मोदी को अंदर लाना है, देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी को वापस लाना है। मोदी जी काम कर रहे हैं इलाके में, बढ़िया काम कर रहे हैं, नंबर वन काम कर रहे हैं मोदी जी। वो कांग्रेस की सुमति मग्गू। चलिए ये बताइए, प्रधानमंत्री पद पे मोदी को देखते हैं या फिर केजरीवाल को देखते हैं? ना ही केजरीवाल आएंगे ना ही मोदी जी आएंगे। विपक्ष में जो भी इंडिया गठबंधन से जो भी उम्मीदवार होगा वो कौन है इंडिया गठबंधन में उम्मीदवार? इंडिया नहीं, नहीं सारे चेहरे हैं, पहले जीतने दो, जीतने के बाद डिसाइड होगा कौन चेहरा है। चेहरा तो चाहिए ना, ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात। इससे पहले जो सरकार बनी थी कांग्रेस की कोई चेहरा नहीं था, लेकिन मनमोहन सिंह जी आए थे ना चेहरे में। उधर की भारी हवा का नहीं तो निकालो ऊपर पानी जा घर में जा रहा है। दिखाइए घर में पानी जा था सारा नाली। ठंडी कब से दिक्कत हो रही है, ये कितने साल हो गए हैं? काफी दिन से हो रहा है दिक्कत। आपने कभी ऐसे कोई देखिए, अभी मौजूदा समय में बीजेपी की सांसद है मीनाक्षी लेखी, हालांकि अब उनका टिकट कट गया है, तो क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी रिपीट होगी यहाँ पर? पता नहीं कि होएगी कि नहीं होएगी। आपकी आपकी आवाज पर है, काम करे के ऊपर तो हुआ है काम यहाँ पर, हुआ है कुछ काम? हाँ हुआ है काम, जो थोड़ा बहुत बाहर से हुआ जो बेकार काम। इधर आइए जरा, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे देश का भविष्य, ये देखिए इधर, अरे हटो यार, ये देश का नौजवान है, देश का भविष्य है, देश के नौजवान, देश के भविष्य के लिए क्या हुआ है? मैम बहुत कुछ हुआ है देखा जाए तो, यहाँ तो मैम गिनवाने की तो बात ऐसी है कि आप विपक्ष का गिनवा दीजिए, मैं पक्ष का गिनवा देता हूँ। मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, आप गिनवा दीजिए विपक्ष का, मैं पक्ष का गिनवा। पहली बात तो मैं यहाँ पे कोई प्रवक्ता बन के नहीं आई हूँ, और दूसरी बात यह है कि मैं सवाल पूछने आई हूँ, तो मैं विपक्ष का क्या ही आपको गिनवाऊँ? मैं तो आपसे सिंपल पूछने आई हूँ कि आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं प्रधानमंत्री को दोबारा से तीसरी बार बनते हुए? जी मैम जी, ये तो क्यों देखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार बने तो मुझे ये बताइए कि ऐसा मोदी जी ने क्या करा है? आपसे नहीं पूछ रही हूं, रुक जाइए। मैम विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जैसे मोदी जी हैं। अच्छा ये बताइए आप काम कब करते हैं? मैम मैं DTC में कंडक्ट हूं जी, और केजरीवाल जी ने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं है, और दुकानें खोली शराब की, हमारे लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात देखो ना, केजरीवाल जी की बात आपने बोली, उन्होंने कोविड टाइम में सिविल डिफेंस वालों को बहुत अच्छे तरीके से भर्ती कर लिया, बहुतों को बिठा, बच्चों को जो कॉलेज कर रहे थे वो बेचारे वो भी बैठने, उन सबको घर बिठा दिया, उनका क्या उस मायने में बता सकता है कोई कुछ? वो कोई जवाब नहीं। हम जो लोग लगे थे हाँ, इन जो लोग कह रहे हैं आज यहाँ पर माने स्कूल जो है सब बीजेपी बना रखे, बरात कर बीजेपी बना रखे, सब कुछ ये लेटरिन है बीजेपी बना रहा है। हाँ सिर्फ ये जो है ये केजरीवाल ने बनाया, बाकी जो टोटल है माने बीजेपी हंसने क्या क्या बात है, सच्चाई है, सच्चाई है ना, तो यही। चलिए हटिए जरा, हटिए दो तीन लोगों से बात। सबसे सवाल पूछती हूँ, ये जो अभी झुग्गी झोपड़ी की स्थिति है ये ध्यान में रख के वोट देने जाएंगे 25 मई को? हाँ बिल्कुल 100% वोट नहीं काटूंगा, वोट दूंगा, अब किसको दूंगा मुझे नहीं पता, ये किसको दूंगा, मतलब ये ध्यान में रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। इधर आइए, इधर चलते हैं। मैं काम को ध्यान रखूंगा। ये जो अंकल जी अभी झुग्गी झोपड़ी की स्थिति है, 25 मई को जब वोट डालने जाएंगे तो इस स्थिति को देखते हुए जाएंगे? बिल्कुल मोदी को देंगे ना, क्यों देंगे मोदी को, मोदी क्या किया है एक भी झुग्गी? चलिए ठीक है इधर आइए, आप क्या मुद्दा सोच के जाएंगे अगर वोट देने जाएंगे तो? मैडम रीजन ये, आप मुद्दा वही देख लो, देखो लगा हुआ है नाली जी, गली गली में पानी भर जाते हैं। अभी आपके सामने एक लेडीज आई, बाकी यहाँ जेंट्स जो है हंसी मजाक में ले रहे हैं आपकी बातों को, सीरियस नहीं ले रहे हैं। आपके सामने लेडीज आई, वो क्या जवाब आपको बोली? बस आंटी इधर आइए, वोट तो देती होंगी ना? हाँ। तो आप 25 मई को जब वोट देने जाएंगी तो ये जो झुग्गी झोपड़ी वालों की जो स्थिति है, जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जाएंगी वोट देने? ठीक है कानो, और सारी देख लो, चले फोटो खींच लो, ले जाओ कानो, नाली कानो, घरों पर वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे? जाएंगे वोट देने, जाएंगे। तो ये जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी वाले रह रहे हैं इस स्थिति को रह रहे हैं 40-45 साल हो गया ये देखते हुए, कुछ बदलाव आया है? नहीं आया,
कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे ही रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे। कब तक रहेंगे? जब तक रखेंगे। कोई प्रतिनिधि नहीं आया क्या आवाज सुने? सांसद वगैरह कोई नहीं आया? कोई नहीं आता। सांसद तो देखे ही नहीं हमने 10 सालों में। 10 सालों में देखा नहीं शकल की कहाँ है। बीजेपी के सांसद है यहाँ से मीनाक्षी लेखी? हाँ, 10 सालों में शकल नहीं देखी है। और बोलो क्या लगता है? हाँ, अभी तो मैम उसका पत्ता कट गया इस बार यहाँ से मीनाक्षी लेखी का। यस मैम। अब की बार तो खैर बीजेपी ने टिकट काट दिया, लेकिन उसकी जगह पे बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है बीजेपी। मैम वो भी हवा में उड़ जाएगी इस बार। इस बार मैम दिल्ली में बस केजरीवाल जीतेगा तो केजरीवाल। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मैम प्रधानमंत्री के लिए तो बहुत है, शायद राहुल गांधी भी बन सकते हैं या केजरीवाल खुद ही बन सकते हैं। अब की बार ये जो झुग्गियों की स्थिति है, बदलाव कुछ नहीं हुआ है, इसको नजर में रखते हुए वोट देने जाएंगे? मैम झुग्गियों को झुग्गी क्या, बीजेपी बचा लेगी झुग्गी फिर जीत जाएगी तो? मैम आप क्या सोचते हैं? भाग लीजिए। चलिए फिर क्या बोल रहे थे अंकल? कुछ क्या विकास हुआ है यहाँ पे? सबको देखा है विकास? तो यहाँ जो ठेके पे दारू नहीं बिकती है वो यहाँ पे बिक जाती है। कहने का मतलब जो ठेके पे इतनी दारू नहीं बिकती उससे ज्यादा झुग्गियों में यहाँ दारू बिकती है। बिल्कुल ब्लैक में। बिल्कुल। कैसे बिकती है? और क्या, हर गलियों में बिकती है दारू है। मोदी सरकार के काम से खुश हैं? मोदी के सरकार यहाँ तो क्यों काम नहीं हुआ है? हमने 40 साल हो गए आ रहे थे, हमें कोई विकास ऐसा नहीं दिखा, हमें कोई ऐसा विकास नहीं दिखाया जिससे कि हम खुश हों, संतुष्ट हों अपनी सरकार से। मेरा राशन कार्ड 7 साल हो गए। फ्री राशन मिलता है आपको? बिल्कुल नहीं मिलता। राशन कार्ड बना है आपका? बना ही नहीं ना, मेरे पिताजी का टाइम का था, पिताजी एक्सपायर हो गए। अब जो मेरी मतलब अपना वाइफ के नाम से अप्लाई किया मैंने, जब से कोई सुनवाई नहीं है। 20 बार में चक्कर काट चुका हूँ राशन दफ्तर के, और आम आदमी पार्टी के जो है जो पुनीत राय उनके पास भी गया मैं, कोई समस्या का समाधान नहीं है हमारी। देखिए हम लोग कीर्ति नगर के स्लम एरिया में मौजूद थे, हालांकि श्रेष्ठ भारत यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहले भी कवर करके जा चुका है, और लोग यहाँ पर किस तरीके से रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, हम लोगों ने पहले भी कवर किया है। लेकिन अब 25 मई को लोकसभा चुनाव दिल्ली में पड़ने वाले हैं, लोग अपने घरों से बाहर जाएंगे और झुग्गी झोपड़ी के लोग भी वोट देने जाएंगे। क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आया है या नहीं आया है ये जानने हम आए थे। क्या मीनाक्षी लेखी ने यहाँ पर कुछ विकास किया है या नहीं किया, ये आपने सुना होगा, इन लोगों ने बताया। हालांकि मीनाक्षी लेखी यहाँ से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, 2 सालों में उन्होंने क्या काम करा है, और हमने लोगों से बातचीत भी की, लोगों ने यही बताया कि उन्होंने कोई काम नहीं कराया। अगर हम बीजेपी को वोट देंगे तो हम मोदी के नाम पे वोट देंगे, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने यहाँ पे कोई काम, कोई विकास नहीं किया है। बीजेपी ने उनका टिकट अब की बार काट दिया है और बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, और चुनावी मैदान में उनको टक्कर देने के लिए है सोमनाथ भारती जी। अब आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कैमरा पर्सन विवेक के साथ अर्जुन दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।